चंडीगढ़ 270 सीट्स के लिए जिन्होंने फाइट करना है बीएड कैंडिडेट के लिए, उनके लिए एग्ज़ाम स्कीम क्या रहेगी? बिल्कुल सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का और टाइम का डिफरेंस रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स है, वहाँ 30 थे, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 हो गए। टीचिंग पोटेंशियल, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 20-20 हैं। कंपलसरी फॉर ऑल इंग्लिश, सभी के लिए है 20 मार्क्स, और पंजाबी और हिंदी आपको एक ऑप्ट करना है। कंपलसरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव स्टडी पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन लेवल, तो ये जैसे पंजाब में है वैसे ही यहाँ अप्लाई किया गया है, वो आपको पंजाबी ऑप्शन 20 मार्क्स की मिलेगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आप हिंदी के 20 मार्क्स के पेपर करोगे। पेपर शैल कंसिस्ट 100 मल्टीपल क्वेश्चन एंड विल बी टोटल 100 मार्क्स एक्सपेंड अबव 180 इंग्लिश हिंदी पंजाबी मीडियम, तीन होंगे वहाँ, दो मीडियम हैं इंग्लिश और पंजाबी, यहाँ इंग्लिश हिंदी और पंजाबी तीन मीडियम होंगे, और 80 जो लास्ट वाला है वो जिस भाषा में है वही उसी में होगा। पेपर शैल कंसिस्ट 100 मल्टीपल, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब ए बी सी डी कंपलसरी कंसिस्टेंट, ये भी हो चुका है मेरे ख्याल में, समझ आ गया होगा। कैंडिडेट शैल केयरफुली फिल द डार्कन द करेक्ट बबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑप्टेड लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी, ये आपको OMR शीट पर केयरफुली फिल करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका सिलेबस क्या है? फर्स्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस, इसमें एजुकेशन साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम्स, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, हु इज़ हु, तो ये सारे 220 वाले हमारे जो कोर्स है उसमें सब कुछ अवेलेबल है। 550 वाला कोर्स उसमें भी अवेलेबल हैं, पिछले साल के पेपर भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं। नॉर्मली एजुकेशन डोमिनेट करती है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग दो तीन चार हर पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग पोटेंशियल में बहुत वेरी करता है, पिछले सालों में जो UT का पेपर आया है उसमें जो BEd में पढ़ाया जाता है, थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, प्रिंसिपल, नॉर्म्स, मैगजिम्स, वही सारे पूछ लिए गए हैं। दैट इज़ वाई मैंने डिफरेंट एक MCQ सीरीज़ भी चलाऊंगा, देखता हूँ कोर्स में फ्री या दोनों में, तो वो उनको कवर करेंगे जो BEd में मेन कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। डेफिनेशन एजुकेशन की पूछ ली जाती हैं, मैगजिम पूछ लिए जाते हैं, प्याजे की बात भी हुई है, प्याजे नॉर्मली इसमें पूछा जाना बनता नहीं है। लर्निंग थ्योरीज के प्रिंसिपल हैं, थॉर्नडाइक के हैं, जो आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेडीनेस है, एक्सपीरियंस है, एक्सरसाइज है ना, ये उसी के प्रिंसिपल हैं, सिर्फ नाम नहीं उनका लिखा, लेकिन प्याजे का सीधा नाम भी है। तो ये एनालिसिस बताता है कि जो पेपर सेटर है वो अपनी नॉलेज को ही, सिलेबस को कई बार कम कंसल्ट करते हैं, और 2019 का जो पेपर है वो पंजाब में सीधा रिपीट हुआ है। दैट इज़ वाई पिछले साल के पेपर सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चंडीगढ़ वालों को पंजाब के भी पेपर पिछले हर हालत में देख लेने चाहिए। दैट इज़ वाई 220 वाला कोर्स है, उसमें दोनों अवेलेबल हैं, पंजाब वाले चंडीगढ़ वाला भी पढ़ें और चंडीगढ़ वाले पंजाब वाला भी पढ़ें। ये टीचिंग पोटेंशियल के हैं, नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग फॉर्मल, ये हम ऑनलाइन कोर्स में कर चुके हैं अभी तक, रिकॉर्डेड वीडियो अभी होगा, अभी आप ले रहे हो तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन, उसके मोड है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, मास मीडिया, मीडिया कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, ये सारा किए हुए हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यूज़ एनरिच्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल इसमें मेन करेंगे, बाकी बातें भी होंगी, मेन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी आएंगे, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज हैं, NCT है, जैसे पिछली बार फुल फॉर्म में इसकी पूछी गई है, NCERT है, UGC है, NIPA है, जो भी एजेंसीज हैं, जहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ एजेंसीज हैं, जहाँ सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, ये सारी इसमें डिस्कस होगी। सोशल मिड डे मील है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेंडाज, कुछ नहीं है ये, इसको भूल जाओ, और सिर्फ ये जो मेन पॉलिसीज हैं, मेन प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं एजुकेशन पर, और कमीशन्स हैं वो आगे चल के आ जाएंगे, और RTE एक्ट है, ये सब कुछ पढ़ना है इसमें। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूटीफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ऐसी बातें होंगी, लेकिन वहाँ चार ऑप्शन आ जाती हैं। चंडीगढ़ का वैसे ईजी था, बाकी पेपर डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपका नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट है, दैट इज़ वाई आपको ईजी डिफ़िकल्ट की कोई मायने नहीं है। क्लासरूम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर एंड देयर सॉल्यूशंस, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद स्टूडेंट्स, कोलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं ये वाले,
ये वाले ऊपर वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन एवेल्यूएशन असेसमेंट्स में से आते हैं, लाइब्रेरी में से एक आधा क्वेश्चन आता है, स्कूल सोसाइटी में से एक आधा क्वेश्चन आता है। तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी है, सेम है जो पंजाब में है, नंबर सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, और जो विरोधार्थी और समानार्थी होंगे, कोडिंग डिकोडिंग होंगे, सीइंग रिलेशनशिप है, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजन होगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड फिगर्स, इवेल्युएशन एंड इन्फ्रेंसेज, ब्लड रिलेशनशिप। तो ये सारे इसमें कोई टेबल आ जाता है या ग्राफ आ जाता है, फिगर आ जाती है, उसको आपने इंटरप्रेट करना होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन इसको बोल देते हैं। तो ये तीन तीन क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, लेकिन इससे एक्स्ट्रा कोई और पंजाब यूनिट आप हमने पिछले पेपर देखोगे तो थोड़े डेविएट होते हैं, दैट इज़ वाई ये तो आपको कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। लैंग्वेज में ग्रामर, ईडियम, वोकैबुलरी, करेक्शन, पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रीहेंशन है, सभी ग्रामर सेम ही है हिंदी में, पंजाबी और इंग्लिश में, ग्रामर, ईडियम, वोकैबुलरी, करेक्शन, पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रीहेंशन। तो ये आपका एग्ज़ाम की जो स्कीम थी, सो जो भी आपकी एडमिशन होनी है प्योरली इस एंट्रेंस टेस्ट में आप कितने स्कोर ले जा पाते हो, आपके पास अभी मेरे ख्याल में लगभग 25 से ज़्यादा दिन हैं, तो आप चाहो तो फ्री वाली भी देख सकते हो, ये पेड भी देख सकते हो। थैंक यू।